गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे आप सभी? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। लेट मी नो गाइज, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे और देख पा रहे सभी लोग? लेट मी नो गाइज, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। माई सेल्फ प्रवीण सिंह एंड वेलकम टू अन अकेडमी। लेट्स क्रैक UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विथ इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म। आप सभी लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर स्वागत है। गाइज जल्दी से सभी लोग जुड़ते जाए एक ऑसम से सेशन के लिए। फटाफट सभी लोग जुड़ते जाइए और जुड़ते हुए क्लास को लाइक और शेयर भी करते जाइए फटाफट सभी लोग। देखो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली हम लोग इंडियन इंडस्ट्री टॉपिक कर रहे हैं। इंडियन इंडस्ट्री में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में कर रहे थे। कल की क्लास में हमने कुछ टॉपिक को डिस्कस किया था, कुछ हमने इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस किया होता, तो आज उसी का हम लोग सेकेंड पार्ट करने वाले हैं। तो एडिशमेंट आज हम लोग कुछ जो और रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज हैं इंडिया के, उनके बारे में कुछ समझेंगे। तो सबसे पहले तो क्लास को सभी लोग लाइक और शेयर कर लीजिए फटाफट। देखो आप अनअकैडमी के यदि लर्निंग ऐप पर अभी भी नहीं हो तो लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो, इनके कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। जैसे कि आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन ले सकते हो यहाँ पर, और जो प्लस और आइकॉनिक दो कोर्सेज में आपको मिल जाती हैं। इनके अलावा आप अनअकैडमी पर यदि चाहते हो कि ऑप्शनल कोर्सेज करना, ये भी आपके पास अवेलेबल है। और यहाँ पर आप प्रवीण वन कोड यूज़ करते हो तो आपको 10% ऑफ मिलते हैं। इन सब के साथ यदि आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लोगे तो बेनिफिट यहाँ पर लाइव और इंटरेक्टिव ऑनलाइन सेशंस, कंप्लीट सिलेबस कवरेज, वन सब्सक्रिप्शन, अनलिमिटेड एसेस, टेस्ट सीरीज, क्यूजेस एंड डाउट सेशन एंड कई सारे बेनिफिट आपको मिलने हैं। और प्रवीण वन कोड के बाद आपको इमीडिएट 10% ऑफ भी मिलना है, साथ में आपको मेरी पर्सनल मेंटरिंग भी मिल जाएगी। प्लस कोर्स में 12 मंथ का पे करना है 49,500, प्रवीण वन कोड के बाद पे करोगे 44,550, ऐसा कुछ 24 मंथ 36 मंथ के लिए भी है। जबकि आइकॉनिक कोर्सेज में आते हो तो 12 मंथ का पे करना है 24,500, प्रवीण वन कोड के बाद पे करोगे 67,050 रुपीज़, ऐसा कुछ 24 मंथ 36 मंथ के लिए। देखो आइकॉनिक में कई सारे बेनिफिट मिलने के साथ साथ आपको एक पर्सनल कोच भी दिए जाते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड द मेंटरशिप प्रोग्राम, इसको हम मेंटरशिप प्रोग्राम भी कह सकते हैं। और प्लस आइकॉनिक कोई भी कोर्स ले तो उसमें प्रवीण वन रेफरल कोड यूज़ कीजिए। और 8th अगस्त को आपका कॉम्बैट है, कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कीजिए, जिसकी टाइमिंग है 11 AM पर, जिसमें आपको 56 क्वेश्चन 60 मिनट में करने होंगे। कई आपको एक्साइटिंग प्राइसेस हैं आपके लिए, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और यहाँ पर रेफरल कोड प्रवीण वन यूज़ कीजिए इसको इनरोल्ड करने के लिए। और 5th to 18th अगस्त तक में आपको कई सारे बेनिफिट हैं आपका, जो सब्मिशन है तो मेंस तक वैलिडेट होगा, वो आपका फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है इस समय। इसके बाद CSE Assured है आपके पास, टेस्ट सीरीज हैं, अनअकैडमी नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं, ऑप्शनल कार्निवाल्स हैं, ये सारे बेनिफिट आपको मिल जा रही है इसमें। 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे कॉम्बो पे 27,000 अप्रोक्स फ्लैट ऑफ है, 40,000 आपको 2 ईयर्स पे करीब करीब फ्लैट ऑफ है, और 52,000 जो है 3 ईयर पे करीब करीब फ्लैट ऑफ है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे ये कॉम्बो के साथ। और कार्निवाल, ऑप्शनल कार्निवाल भी 11th अगस्त और 18th अगस्त को। इसके अलावा प्राइसेस जो है कमिंग सून है, हाइक होने वाली कंडीशंस, और आप लोन भी ले सकते हो अकेडमी से। कुछ बैचेज जो 11th अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं, टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो गाइज एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओ क्लास को, फटाफट सभी लोग लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। देखो हम लोग आज इंडस्ट्री टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इंडस्ट्री जो होती है उनके क्लासिफिकेशन को, कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था, क्या होती हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इंडस्ट्री के लोकलाइजेशन को, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कौन सा है, नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर्स कौन सा है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के साथ साथ हमने ये डिस्कस किया था आयरन स्टील इंडस्ट्री और एल्युमिनियम इंडस्ट्री के बारे में। उसी तरह से आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, वो है आपको यदि हम इंडियन इंडस्ट्री में आते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट एक इंडस्ट्री आपको दिखेगी, उसका नाम है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में। एंड यार इट मीन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कहा जाए तो एक इंडिया का लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, जहाँ पर आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉय भी जो है यानी काम करने वाले लोगों की संख्या भी आपको अधिक मिलेगी। और इस इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे पहली बार मॉडर्न एरा में हम बात करते हैं, आधुनिक समय में सबसे पहली बार टेक्सटाइल मिल का जो सेटअप किया गया था वो किया गया था 1818 में फोर्ट ग्लास्टर्स, वेस्ट बंगाल में एक जगह है फोर्ट ग्लास्टर, और इसी फोर्ट ग्लास्टर के अंदर फर्स्ट मॉडर्न टेक्सटाइल मिल सेटअप किया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली ये सक्सेसफुल नहीं रहा, तो जो सक्सेसफुल कॉटन टेक्सटाइल मिल लगा वो लगा आपका मुंबई में 1854 के अंदर, 1854 में। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट मिल कहाँ पर लगा था, तो देखो याद रखना कि फर्स्ट जो कॉटन टेक्सटाइल मिल सेटअप किया गया था वो फोर्ट ग्लास्टर वेस्ट बंगाल में था 1818 में। बट मॉडर्न एरा के अंदर जो सक्सेसफुल कॉटन टेक्सटाइल मिल लगा 1854 के अंदर वो मुंबई में लगाया गया, ठीक है। यदि हम कॉटन टेक्सटाइल मिल की बात करते हैं संख्या में मिल्स की, तो सबसे अधिक संख्या आपको तमिलनाडु के अंदर मिलेगी। ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन से कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं तो इनके बारे में जानते हैं।
गुजरात के लिए हम लोग वर्ड करते हैं, गुजरात जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जिसमें हम लोग अहमदाबाद के लिए वर्ड यूज़ करते हैं मैनचेस्टर ऑफ द इंडिया, जबकि मुंबई को बोलते हैं हम लोग कॉटन पॉलिश ऑफ द इंडिया, और कोयम्बटूर जो तमिलनाडु के अंदर उसको बोलेंगे मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, और कानपुर को बोलते हैं मैनचेस्टर ऑफ यूपी। गुड इवनिंग सुब्रता, यानी आप देखोगे तो कई बार कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो बेसिकली मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहें तो अहमदाबाद को बोलते हैं हम लोग कॉटन पॉलिश जो है मुंबई के लिए टर्म यूज़ करते हैं, सदर इंडिया के मैनचेस्टर को हम लोग बोलते हैं कोयम्बटूर, और कानपुर में आइएगा तो कानपुर को बोलते हैं हम लोग मैनचेस्टर ऑफ यूपी। अब देखो सबसे पहले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज मॉडर्न इंडस्ट्री इंडिया, ठीक है। अब देखो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन होता है थ्री डिफरेंट सेक्टर्स में होता है, कुछ मिल्स में होता है, कुछ पावर लूम्स होते हैं और कुछ हैंडलूम्स होते हैं। इट मीन्स जो आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर देखो प्रोडक्शन है आपको थ्री डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर हो रहे हैं, मिल्स के अंदर है, पावर लूम के अंदर है, और आपको हैंडलूम्स के अंदर है। मिल्स का जो इंपॉर्टेंस है आफ्टर द इंडिपेंडेंस धीरे धीरे कम होता चला गया, यानी जो मिल्स हैं इनका महत्व तो देखा जाए तो आज़ादी के बाद थोड़ी सी कम होती चली गई, यानी मिल्स जो है बेसिकली डोमिनेंट रोल प्ले करते थे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनिशियल स्टेज में, बट इट्स इंपॉर्टेंस वॉज रिड्यूस ड्रास्टिकली विद द ग्रोथ ऑफ पावर लूम और हैंडलूम। जैसे जैसे पावर लूम और हैंडलूम का ग्रोथ होता चला गया ना, मिल का इंपॉर्टेंस कम होता चला गया, यानी हम कह सकते हो कि इनिशियली जब देखोगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो करनी शुरू हुई तो उसमें मिल का इंपॉर्टेंस हुआ करता था, बट पावर लूम और हैंडलूम के डेवलपमेंट के बाद इनके ग्रोथ होने के बाद धीरे 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 करते हुए आपका मिल्स का इंपॉर्टेंस कम होता चला गया। यानी आज के डेट में देखोगे तो सबसे अधिक जो इंपॉर्टेंट है वो पावर लूम का है। पावर लूम का फायदा ये हुआ कि डिसेंट्रलाइज पावर लूम सेक्टर जो है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्लॉथिंग डिमांड को पूरा करने में, और इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहे हैं। तो यानी आज के डेट में देखोगे तो सबसे अधिक आपका जो देखोगे ना, जैसे सबसे अधिक आपको इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले कर रहा है वो आपको पावर लूम कर रहा है, और सेकेंड नंबर पर आप देखोगे तो पावर लूम पहले क्या था कि मिल्स का यूज़ होता है, जैसे आप देख सकते हो ये आपको पावर लूम्स हैं, तो पावर लूम में प्रोडक्शन आज के डेट में सबसे अधिक है, और मिल्स जो हैं इनका इंपॉर्टेंस धीरे धीरे कम होता चला गया जैसे जैसे पावर लूम और हैंडलूम का डेवलपमेंट होता चला गया, ठीक है। समझ रहे इसको यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को? अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इसकी लोकेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। गुड इवनिंग पूनम, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं? तो उसमें सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, ऑब्वियसली जहाँ पर रॉ कॉटन की अवेलेबिलिटी होगी वहाँ पर ये सेक्टर अवेलेबल होगा, यानी वहाँ पर इंडस्ट्री लगाई जाएगी, वहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल का काम शुरू हो सकता है, चाहे पावर लूम के फॉर्म में हो या हैंडलूम के फॉर्म में हो। इसके अलावा मार्केट, मार्केट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ऐसे भी इंडिया के अंदर मार्केट की कमी नहीं, इंडिया में आप जाओगे तो मार्केट जो है इसके पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो कॉटन टेक्सटाइल के लिए एवरीवेयर आपको मिलने वाले हैं। और ट्रांसपोर्टेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप जब मैन्युफैक्चर करते हो तो मैन्युफैक्चर गुड्स को मार्केट तक पहुँचाने के लिए एक गुड कनेक्टिविटी है, तो ट्रांसपोर्टेशन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यानी किसी भी रीजन में आप देखोगे जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की लोकलाइजेशन है ये आपको डिपेंड कर रहा होगा वहाँ पर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी पर, रॉ मटेरियल से आपका हो गया। इसके अलावा आपका मार्केट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और आपका ट्रांसपोर्ट ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब यदि हम कॉटन टेक्सटाइल के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें ना कि कॉटन टेक्सटाइल भारत में किन किन राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल का प्रोडक्शन होता होगा, जो ब्लैक सॉइल का रीजन होगा, काली मिट्टी का क्षेत्र होगा, उन भागों में आपको अक्सर देखने को मिलेगा। जैसे आप देखोगे महाराष्ट्र एक इंपॉर्टेंट स्टेट है इंडिया के अंदर जहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है। इसके अलावा पाओगे गुजरात, मध्य प्रदेश, सदर इंडिया के अंदर तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ऐसे कुछ स्टेट हैं जो इंपॉर्टेंट स्टेट है इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल के लिए। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कॉटन टेक्सटाइल का डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, तो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को बताए तो हम बता सकते हैं महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, वेस्ट बंगाल, यूपी, राजस्थान, ये इंपॉर्टेंट स्टेट है। इसके अलावा और भी स्टेट हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं राज्यों में, इनके अलावा और भी राज्य हैं जहाँ कॉटन टेक्सटाइल आपको देखने को मिल सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भी आओगे तो उत्तर प्रदेश में कानपुर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है। इसके अलावा कई रीजन से मुरादाबाद, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, ऐसे रीजन से आंध्र प्रदेश में भी है, केरला में, गया में, राजस्थान के अंदर आते हो, हरियाणा में भी है, पंजाब में भी है, कर्नाटक में, यानी बहुत सारे रीजन हैं। बट इंपॉर्टेंट स्टेट की हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जो है ये आपको एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ रहे हो इस चीज को? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी को भी? यहां तक समझ में आ रहा है सबको?
देखो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं, ऑब्वियस है इंडिया के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है इनके अंदर। तो सबसे पहले जब देखो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ प्रॉब्लम है स्कार्सिटी ऑफ रॉ कॉटन। जो रॉ कॉटन है यानी जितनी हमारी डिमांड है, जितनी हमारी डिमांड है उस डिमांड के अकॉर्डिंग हमारे पास रॉ कॉटन की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ऑब्वियस यदि उसके अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं हो पा रहा हो, तो सप्लाई ना होने का अर्थ हो गया कि आपके पास प्रोडक्शन जो होगा वो कम होगा, ठीक है। तो आपको स्कार्सिटी ऑफ द रॉ कॉटन है। इसके बाद आपका ऑब्सोलेट मशीनरीज है, मैक्सिमम जो देखोगे मिल्स है ना ओल्ड है, यहाँ पे जो मशीनरी है वो आपको ओल्ड है, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी कम होती है और इन्फीरियर क्वालिटी होती है, जिसके कारण देखो प्रोडक्टिविटी भी कम हो रही होगी और क्वालिटी भी इन्फीरियर मिलती है आपको। तो मैक्सिमम जो देखोगे आप देखो एज कम्पेयर टू द अदर कंट्री, देखो ना तो अदर कंट्री के कंपेयर में हमारे यहाँ जो है मशीनरी ओल्ड होने के कारण प्रोडक्टिविटी भी कम है और क्वालिटी भी जो उसकी वो आपको सफ़र कर रही होगी, यानी क्वालिटी भी कंपेरेटिवली देखोगे तो इन्फीरियर्स है। दूसरी समस्या देखोगे आपको इरेटिक पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई टू द मोस्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल द एरेटिक एंड द इनएडिक्वेट विच एडवर्सली अफेक्ट द प्रोडक्शन। अब पावर सप्लाई इरेटिक होने का रिजल्ट ये होता है कि मोस्ट ऑफ द रीजन्स में देखोगे तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रही होगी। गुड इवनिंग आशीष, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट किसी को भी? इसके अलावा लो प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर, जो लेबर्स हमारे उतने स्किल्ड नहीं है जितना कि प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए। तो अदर कंट्री की तुलना में देखोगे ना, जैसे आप जापान की तुलना में देख लो या यूनाइटेड स्टेट के कंपेयर में देख लोगे, तो सभी के कंपेयर में हमारे यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है, ठीक है। तो एक ये भी एक समस्या हमारे यहाँ। इनके साथ साथ में हमारे यहाँ कई पॉलिटिकल चीज़ें होती रहती हैं, तो अक्सर स्ट्राइक का भी सामना करना पड़ता है, यानी जो यहाँ के मिल हैं उनको स्ट्राइक का भी सामना करना पड़ता है, और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे साथ, यानी कॉटन टेक्सटाइल मिल के साथ देखें तो रॉ मटेरियल की कमी है। इसके अलावा मशीनरी हमारे यहाँ ओल्ड है, स्कार्सिटी ऑफ द आपको इरेटिक पावर सप्लाई भी है, और लेबर जो है वो स्किल्ड नहीं है, और स्ट्राइक जैसी समस्या, यानी ऐसी कुछ समस्याएं आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ मिलेंगी। तो बेसिकली आप देखोगे तो कॉटन टेक्सटाइल जो है ये मेजर रीजन जो बना आपका मैप वाइज देखो इंडिया के, इंडिया के मैप को आप देखते हो, यदि सपोज यदि हम मैप वाइज देखते हैं तो ये जो बेल्ट देख रहे हो ना, ये वाला बेल्ट आपको बेसिकली, ये वाला बेल्ट आपको देख रहा है, ये कॉटन टेक्सटाइल के बहुत इंपॉर्टेंट रीजन्स बन जाता है। देख सकते हो कॉटन टेक्सटाइल के इंपॉर्टेंट रीजन, फिर इस रीजन में आओगे ये भी कॉटन टेक्सटाइल का एक इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है। इसका साउथ में आते हो तो ये रीजन कॉटन टेक्सटाइल का इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है। ये नहीं, ये सारे रीजन जो हैं कॉटन टेक्सटाइल के एक इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं इंडिया के साथ में। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन किसी को भी? ठीक है, समझ रहे हो ना सभी लोग? यू ऑल आर ओके, देन गिव अ बिग थम्स अप ऑल ऑफ यू गाइस। यदि यहाँ तक सबको समझ आ रहा है प्लीज गिव अ बिग थम्स अप ऑल ऑफ यू। देखो जैसे ना आप देखोगे टेक्सटाइल में कॉटन का इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से जूट टेक्सटाइल का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है इंडिया में। बेसिकली जो जूट टेक्सटाइल है इसका यूज़ हम लोग बैगेज वगैरह बनाने में करते हैं खासतौर से, और इंडिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री रहा है जूट के लिए। देखो इंडिया में जो सबसे पहली बार जूट टेक्सटाइल लगाया गया वो लगाया गया था 1854-1855 में। रिश्रा एक वेस्ट बंगाल में जगह है, रिश्रा के अंदर, और ये जूट टेक्सटाइल जो लगा इंडिया के अंदर वो लगाया गया था जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा। इट मीन्स एक व्यक्ति थे जॉर्ज ऑकलैंड, इन्होंने फर्स्ट जूट मिल स्टार्ट किया था रिश्रा वेस्ट बंगाल में। याद आपको रखना है कि रिश्रा वेस्ट बंगाल के अंदर फर्स्ट जूट मिल एस्टेब्लिश हुआ था, जिसको एस्टेब्लिश कराने में कितने रोल प्ले किया था, जॉर्ज ऑकलैंड ने। और दूसरी चीज़ ये है कि जो जूट का प्रोडक्शन है आप जानते हो सभी लोग, वेस्ट बंगाल सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है जहाँ पे जूट का प्रोडक्शन सबसे अधिक मिलेगा। अब देखो यहाँ पे समझो, इंडिया में जो है जूट तो सेकंड इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है आफ्टर द कॉटन टेक्सटाइल, यानी कॉटन टेक्सटाइल की बात करें तो उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट जो रोल है वो है जूट का, ठीक है। बंगाल के अंदर हैंडलूम इंडस्ट्री के अंदर आता ही है, और बेसिकली देखोगे ये आपको 1855 में रिश्रा में स्टार्ट हुआ था, जो कोलकाता के क्लोज है, इसकी लोकेशन कोलकाता के क्लोज है। देखो इसके बाद यदि देखोगे, यदि आप वेस्ट बंगाल के बाद देखते हो तो आंध्र प्रदेश भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जूट टेक्सटाइल में। जूट टेक्सटाइल के अंदर जो है वो आपको आंध्र प्रदेश भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडिया में यदि आप आते हो तो जूट टेक्सटाइल एक नैरो बेल्ट में आपको मिलेगा, नैरो बेल्ट में कोलकाता के नियर बाई द अलॉन्ग द जो हुगली रिवर का रीजन है ना, हुगली रिवर का रीजन है कोलकाता के साथ में, उसी नैरो बेल्ट में आपको बेसिकली जूट टेक्सटाइल के क्षेत्र मिलेंगे। जैसे आप देखोगे इंपॉर्टेंट जूट मिल आपको कहाँ मिले हैं, तो टीटागढ़, जगतादल, बजबज, हावड़ा, ब्रजेश्वर, बैली, आगरापारा, रिश्रा, सिरामपारा, सिबुपुर,
यानी कुछ इंपॉर्टेंट रीजन आप देख रहे हो निहाटी, ये आपको इंपॉर्टेंट रीजन है जूट टेक्सटाइल के, यानी मैक्सिमम जो जूट टेक्सटाइल मिल है इंडिया में वो आपको वेस्ट बंगाल के अंदर हुगली रिवर के साथ एक नैरो स्ट्रिप मिलने वाले, हुगली रिवर के साथ में, हुगली रिवर का जो बेल्ट है। तो आपसे एक क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है कि जो हुगली रिवर का बेल्ट है उस रीजन में जूट टेक्सटाइल मिल डेवलप क्यों हुए, ऐसा क्या कारण रहा कि इस रीजन में जूट टेक्सटाइल मिल का डेवलपमेंट आपको सबसे अधिक मिला, यानी नियर द हुगली रिवर जूट टेक्सटाइल मिल का डेवलपमेंट, जो ये सारे रीजन देख रहे हो ना, ये आपको टिटागढ़ का रीजन या बजबजो या हावड़ा हो, सभी ना कहीं उसी नैरो स्ट्रिप बेल्ट के साथ मिले हुए हैं आपको, यानी हुगली के साथ में। ठीक है, देखो अब क्या ऐसा रीजन रहा कि जो हुगली बेसिन में आपको जूट मिल्स डेवलप हुए। तो सबसे पहले द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा ग्रोज अबाउट 90% ऑफ द इंडियन जूट्स। अब गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है जहाँ पे इंडिया के अंदर जितने भी जूट का प्रोडक्शन होता है 90% यहीं से होता है, तो ऑब्वियस क्लोज रीजन है, तो मिल लगाने के लिए एक आइडियल लोकेशन हो गया, समझ रहे हो इसको ना, यानी इस बेल्ट में मिल का डेवलपमेंट हो रहा। तो इसमें एक बहुत बड़ा रीजन ये हुआ कि इस डेल्टा रीजन में जूट का प्रोडक्शन सबसे अधिक है, और जहाँ प्रोडक्शन अधिक होगा वहाँ पे मिल के एस्टेब्लिशमेंट की आइडियल कंडीशंस बनने वाली हैं, तो ऑब्वियस है कि यूजफुल लोकेशन हुआ। इनके साथ साथ में देखो कोल, रानीगंज जो कोल फील्ड है हम लोग ऑलरेडी मिनरल रिसोर्स में पढ़ चुके हैं, तो रानीगंज भी क्लोज में है, तो वहाँ से इजिली कोल मिल जा रहा है, यानी पावर आप देखोगे तो एनर्जी भी आपको इजिली अवेलेबल है वहाँ पे। चीप वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी अवेलेबल है रिवर के साथ, हुगली रिवर के साथ इजिली हम ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकते हैं, वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी। इसके अलावा रेलवे और रोड से भी कनेक्टेड एरिया है, रेलवे और रोड से वेल कनेक्टेड रीजन है, तो ये भी एक, और आपको वाटर भी सफिशियंट अवेलेबल है रिवर के साथ जुड़े होने करके, वाशिंग और डाइंग के लिए जूट में पानी की जरूरत पड़ती है, और इजिली भी वाटर की सप्लाई है क्योंकि नदी के साथ ही जुड़ा हुआ है ये। और ह्यूमिड क्लाइमेट जो होता है, याद रखना कई बार क्वेश्चन पूछ लिया था जूट के लिए, आपको ह्यूमिड क्लाइमेट जो होता है वो कन्वीनियंट होते हैं फॉर स्पाइनिंग ऑफ द वे एंड वेविंग के लिए, तो कई बार क्वेश्चन बन जाता है, ये भी एक पॉइंट है कि आपको ना प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन आते हैं इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, तो जूट के लिए कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी हुई, तो ह्यूमिड, इसमें क्यों, क्योंकि स्पाइनिंग ऑफ द वेविंग जो है वो ह्यूमिड क्लाइमेट में अच्छी होती है। और साथ साथ में कोलकाता एक बिगेट पोर्ट भी अवेलेबल था, और बिगेट पोस्ट है तो ऑब्वियस है कि आसानी से हमें मशीन बनाना हो या जो हमारा फर्निश प्रोडक्ट हो उसको ईजिली हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी कर सकते हैं। तो देख रहे हो कि कोलकाता के आसपास में यानी हुगली रिवर के बेल्ट में जूट मिल के डेवलपमेंट के लिए कई फैक्टर्स फेवरेबल हैं। इनके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, इसका फायदा ये मिल जाता है कि हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होने के कारण लेबर्स इजिली अवेलेबल हो जाते हैं, आपको चीप लेबर मिलते हैं। देखोगे ना इस बेल्ट में आपको, तो झारखंड बिहार का जो बेल्ट है, उत्तर प्रदेश का जो बेल्ट है, यहाँ से इजिली जो है चीप लेबर अवेलेबल हो जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और कोलकाता के रीजन में कई आपको कैपिटलिस्ट भी रहे हैं, कई ऐसे पूंजीपति रहे हैं जो कि आपको इन्वेस्ट करने के लिए यानी मिल लगाने के लिए कैपेबल हुआ करते थे। इसके अलावा बैंकिंग और इंश्योरेंस फैसिलिटीज, ठीक है, तो समझ रहे हो इसको, यानी हम कोलकाता के आसपास के रीजन में देखें तो कई ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जो आपको जूट मिल के एडवांटेज, जूट मिल को एस्टेब्लिशमेंट के लिए एडवांटेज प्रोवाइड करते थे उस रीजन में। तो जब भी आपसे क्वेश्चन आ जाए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाए, मान लो कि जूट मिल के एस्टेब्लिशमेंट जो है हुगली के बेल्ट में ही क्यों हुआ, हम बता सकते हैं उन कारणों को कि हुगली के रीजन में क्यों है, यानी प्रीलिम्स में, देखो प्रीलिम्स में क्या होगा समझो, यहाँ पर इन पॉइंट्स को कोई भी पूछ सकता है इनमें से किसी पॉइंट का नाम देकर कि आपको कौन से पॉइंट सही है, कौन कौन से सही है प्रीलिम्स के अंदर। मेंस में यदि आपसे क्वेश्चन आ जाए इसके ऊपर लिखने के लिए, तो आप इन पॉइंट को एक्सप्लेन कर दोगे ताकि मेंस का भी आंसर हो जाएगा। समझ रहे इसको, कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन किसी को भी। इसके अलावा देखो ना आंध्र प्रदेश के अंदर गुंटूर, विशाखापट्टनम, इब्रो, ओंगोल, ये सब रीजन जो है आंध्र प्रदेश में इंपॉर्टेंट रीजन है जूट के लिए। बाकी यूपी में आप जाओगे तो कानपुर, सहजनवा, गोरखपुर का बेल्ट है, बिहार में पूर्णिया, कटिहार का बेल्ट है, समस्तीपुर, दरभंगा, गया, बिहार, ठीक है। तो ऐसे जो रीजन है ये आपको जूट के लिए फेमस रीजन है इंडिया के अंदर। नॉर्थ ईस्ट में आइएगा तो नॉर्थ ईस्ट में याद रखना आसाम एंड त्रिपुरा, यहाँ भी जूट मिल मिलेंगे आपको, कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में आप आओगे तो आसाम एंड त्रिपुरा जो है या इस राज्यों में आपको जूट मिल मिलने वाले हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट के अंदर आसाम और त्रिपुरा को हमें याद रखना है, ठीक है, समझ रहे इसको, कोई दिक्कत किसी को भी यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन, यू ऑल गाइज आर ओके, यू ऑल आर ओके, देन गिव अ बिग थम्स अप ऑल ऑफ यू गाइज, यहाँ तक सभी लोग ओके हैं, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक,
जो जूट मिल है, जूट मिल के साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं? कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ भी। देखो सबसे बड़ी समस्या क्या थी जूट मिल के साथ, जब भारत को आज़ादी मिली तो आज़ादी मिलने के साथ क्या हुआ कि जूट प्रोडक्शंस के जो बेल्ट हैं, देखो मिल कहाँ लगे, हुगली बेल्ट में, हुगली रीजन में, इट मीन्स नियर द कोलकाता, बट जूट प्रोडक्शन का मैक्सिमम जो रीजन था वो चला गया ईस्ट पाकिस्तान में, यानी आज के समय के बांग्लादेश के अंदर चला गया। तो एक बहुत बड़ी समस्या होगी हमारे पास कि जो रॉ मटेरियल है वो सिंस इंडिपेंडेंस जो है वो सप्लाई कम पड़ गया हमारा। क्यों कम पड़ गया? क्योंकि मैक्सिमम जो है जूट प्रोडक्शन रीजन, देखो मिल लगी थी कोलकाता के आसपास में, हुगली के आसपास, जो हमने फैक्टर्स को समझा, बट हुआ ये कि आपको मैक्सिमम जो है वो आपको चले गए प्रोडक्शन वाले रीजन चले गए ईस्ट पाकिस्तान यानी प्रेजेंट टाइम के बांग्लादेश के साथ में। एक बहुत बड़ी समस्या हुई उस टाइम पर जूट इंडस्ट्री के साथ। दूसरी समस्या ये हुई कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों ने अल्टरनेट्स डेवलप कर लिया, जो पैगेज के फॉर्म में हम जूट का यूज़ करते थे उसके बाद धीरे धीरे कई अल्टरनेट चीज़ें आने गई और उन अल्टरनेट चीज़ें यानी सब्स्टिट्यूट आ गए, और उन सब्स्टिट्यूट का रिजल्ट ये हुआ कि धीरे 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 जो है इसकी डिमांड कम होने लगी, और डिमांड कम होने लगी यूरोपियन मार्केट के अंदर, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट के अंदर, तो उसके प्रोडक्शन पे एक इम्पैक्ट पड़ा, यानी इस इंडस्ट्री के साथ एक प्रभाव पड़ा, यानी इसके सब्स्टिट्यूट के आने के साथ साथ में इसके आपके कह सकते हो डिमांड डिक्लाइन करती चली गई। ठीक है, इनके साथ एक समस्या और आई कि हमारे यहाँ जो न्यू एस्टेब्लिश मिल हैं, इम्प्रूव्ड मशीन्स जो हैं बांग्लादेश के कंपेयर में बेटर क्वालिटी में है हमारे तुलना में, यानी हमारी तुलना में बांग्लादेश के अंदर जाओगे तो उनकी क्वालिटी बेहतर है, जिससे उनका प्रोडक्शन भी अच्छा है और क्वालिटी भी उनकी अच्छी हो जाती है। तो ये भी एक डिमांड रहा जो आपका कारण रहा जो जूट इंडस्ट्री का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा। और ओवरऑल देखोगे तो डिमांड जो है जूट प्रोडक्शन का ग्रेजुअली डिक्रीजिंग करता गया इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धीरे 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 जो है इसका मांग कम होते चले गए। तो कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे मान लीजिए कभी क्वेश्चन आ जाए कि क्रिटिकली इवेल्युएट जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, भारत के अंदर जो है जूट उद्योगों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, तो आप जूट क्यों इंडस्ट्री के बारे में बताओगे, कहाँ पे लगा, कैसे लगा, उस रीजन में क्यों लगा, ये सारी चीज़ें बताने के साथ साथ में लास्ट में इनकी समस्याओं को भी आप बताओगे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, और लास्ट में आप कुछ सजेशन भी, कंक्लूजन में आप सजेशन भी दे सकते हो। जब मेंस के लिए हम लोग पढ़ेंगे तो इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि मेंस इसको कैसे लिखोगे। देखो इसी अप्रोच को फॉलो करोगे ना, देखो मेरा जो अप्रोच है, यदि आप मेरी क्लासेस करते होगे तो उस अप्रोच को फॉलो करोगे तो आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों में कंफर्टेबल हो जाओगे, ना कि सिर्फ प्रीलिम्स के अंदर। और ऐसे भी यूपीएससी जो है प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करके पढ़ने का नहीं जाता, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ोगे चीज़ों को आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी। समझ रहे इस चीज़ को मेरी? तो हमें अपने अप्रोच को कुछ ऐसा ही बनाना है, खासतौर से मैं उन बच्चों के लिए कहना चाहूँगा जिनको 22 में या 23 में देना है, तो अपने अप्रोच को पूरी तरह मेंस के साथ ओरिएंटेड करके पढ़ो, और मेंस को पढ़ो उसी में प्रीलिम्स करोगे तो प्रीलिम्स आपको इजीली प्रिपेयर हो जाएगा। समझ रहे ना मेरी बात को? कोई दिक्कत नहीं किसी को, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट किसी को भी आ रही बात समझ में? जैसे अब आंसर राइटिंग, जैसे आप में से कई लोग होंगे जिनको 22 में देना होगा, तो अभी ऐसे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करते हो, तो आंसर राइटिंग भी किया करते हो। सिविल सर्विसेज में ना, मैं इनिशियल, यदि आप हो बिगिनर हो तो आप आंसर राइटिंग से नहीं करो, बट आप यदि बिगिनर नहीं हो, आपकी प्रिपरेशन जो है काफ़ी टाइम से हो चुकी है, तो आप आंसर राइटिंग जरूर किया करो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपका सिलेक्शन जो है आपके आंसर राइटिंग पे डिपेंड करने वाला, आपकी कॉपी जाती है एग्जामिनर के पास, आप नहीं जाते हो। जैसे मान लीजिए आपको बहुत नॉलेज है बट आप अपने कॉपी में उसको लिख ही नहीं पा रहे हो, तो ऑब्वियस एग्जामिनर आपको कैसे मार्क्स देगा? उसको क्या पता है कितने इंटेलिजेंट हो, आप में आईएएस बनने की सारी क्वालिटी है, बहुत अच्छे जानते हो, बहुत अच्छा एनालिटिकल अप्रोच हो, बट आपने कॉपी में उसको लिख ही नहीं पा रहे हो। इसीलिए आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इसीलिए मैं बार बार फोकस करता हूँ कि जरूर कुछ ना कुछ लिखा करो, और इसी आंसर राइटिंग पे एक सेशन भी मैं लेने वाला हूँ आपको सैटरडे को, कमिंग सैटरडे जो है 12 PM पर, दोपहर के 12 बजे, हाउ टू राइट ए बेस्ट आंसर, तो उस सेशन को आप ज्वाइन कर सकते हो। ये सैटरडे को 12 PM पे हमारा सेशन होने वाला है, ठीक है। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है वूलन टेक्सटाइल, ये ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है, ये आपको बहुत पहले ईसा पूर्व वाले टाइम में भी, BC वाले टाइम में भी था, बट मॉडर्न टाइम पीरियड में देखो तो वूलन टेक्सटाइल जो मॉडर्न टाइम पीरियड में जो स्टार्ट हुआ था वो लाल इमली कानपुर से 1876 में, इसके बाद आपको 1881 में धारीवाल पंजाब के अंदर शुरू हुआ, फिर मुंबई के अंदर, फिर बेंगलुरु के अंदर, इट मीन्स ये इंडिया में देखोगे तो इसका इतिहास बहुत पुराना है, वूलन टेक्सटाइल का बहुत पुराना इतिहास ही है। बट मॉडर्न टाइम पीरियड में लाल इमली कानपुर से स्टार्ट होता है,
फिर आप देखोगे तो धारीवाल पंजाब में, मुंबई के अंदर, बेंगलुरु के अंदर आते हैं, ठीक है। आप देखोगे तो इंडिया में बेसिकली आप वूलन टेक्सटाइल को देखोगे तो बेसिकली ये आपको एक तरीके से देखा जाए तो इसका कंसंट्रेशन बेसिकली वूलन टेक्सटाइल का को मिलने वाला है पंजाब के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। दीज स्टेट अकाउंट अबाउट 3/4 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन, यानी टोटल प्रोडक्शन का देखो तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है वूलन टेक्सटाइल का पंजाब है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा आपको गुजरात, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर आर द इम्पॉर्टेंट स्टेट हैं। बेसिकली समझ रहे हो, जैसे वूलन टेक्सटाइल की बात करो तो पंजाब एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है, याद रखना। पंजाब आप जानते भी होंगे आप लोग, पंजाब का रीजन है, कानपुर यूपी का बेल्ट है, इसके अलावा आप महाराष्ट्र का बेल्ट है, इसके साथ साथ आप देखें तो कर्नाटक भी है एक इम्पॉर्टेंट स्टेट, जम्मू कश्मीर का बेल्ट भी है, गुजरात का रीजन भी है। यदि पंजाब में देखोगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो धारीवाल इज द लार्जेस्ट सेंटर है। इनके अलावा आपको कौन से आते हैं तो अमृतसर, लुधियाना, खरार, ये कुछ इम्पॉर्टेंट रीजन से जहाँ पर, और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है ना कि आपको पंजाब में देखो क्यों डेवलप है, किसी रीजन समझो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है भाखड़ा नांगल डैम से, तो भाखड़ा नांगल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिल जाता है। और उल कहाँ से मिल जाता है, कश्मीर से और उत्तराखंड वाले हिमाचल प्रदेश वाले बेल्ट से, यानी जो आपको हिमालय रीजन के क्लोज होने के कारण क्या होता है कि उन रीजन से उल इसकी सप्लाई हो जाती है। तो उल की सप्लाई आसानी से है, कहाँ से है तो J&K बेल्ट से है, उत्तराखंड के बेल्ट से है, इन रीजन से इसको उल की सप्लाई हो जाती है। और भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट के बाद क्या हुआ कि पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इजीली अवेलेबल हो पाई, तो इस रीजन में देखोगे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया आपका कॉटन टेक्सटाइल, सॉरी वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का। आज समझ रहे हो इसको, यानी पंजाब के अंदर क्यों डेवलप हुआ, तो इसका एक इंपॉर्टेंट रीजन आप देख सकते हो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मिलना और उल सप्लाई होना कश्मीर और कुमाऊं रीजन के साथ साथ में, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपका बन गया, ठीक है। पंजाब लीड्स ऑल अदर स्टेट द मैन्युफैक्चरिंग उल्स गुड्स में, याद रखिएगा। यहाँ पर आपको 257 बिग एंड स्मॉल मिल्स हैं एट प्रेजेंट टाइम पीरियड में, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में मिलेंगे आपको। इसके बाद आपको सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेट है महाराष्ट्र, आफ्टर द पंजाब तो सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेट इन द महाराष्ट्र, और इसमें मुंबई इंपोर्ट के लिए जाना जाता है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया, इटली, यूके के रीजन्स में, ठीक है। यानी आप पंजाब के बाद देखोगे तो जो महाराष्ट्र का बेल्ट है वो एक इंपॉर्टेंट रीजन है उल टेक्सटाइल के लिए। उत्तर प्रदेश में आते हो तो कानपुर, याद रखना कानपुर एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, आपको पता ही है कि कानपुर से ही स्टार्टिंग हुई थी, जो मॉडर्न टाइम पीरियड में उल का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ, उल टेक्सटाइल इंडस्ट्री से स्टार्टिंग होती है, तो कानपुर से स्टार्ट होती है लाल इमली से, तो ऑब्वियसली कानपुर एक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप जाओगे तो शाहजहांपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, आगरा, मोदीनगर, टनकपुर, ऐसे जो बेल्ट हैं ये जाने जाते हैं। इनके बाद आप गुजरात में आते हो तो गुजरात के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट मिल है, जैसे आपको जामनगर, अहमदाबाद, कलोल, बदोदरा, ठीक है, ये रीजन से आपको उल टेक्सटाइल के लिए। आई बार समझ मेरी, कोई दिक्कत नहीं आता किसी को भी, कोई कंफ्यूजन? इसके अलावा और कई राज्यों, जैसे आप जाओगे हरियाणा के अंदर भी है, पानीपत, फरीदाबाद, ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी आपको मिलने वाला है, जम्मू कश्मीर बेसिकली जाओगे तो आपको ये आपको कश्मीरी वूलन प्रोडक्ट जो है एक बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर आप जाओगे तो, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर है भी है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता का बेल्ट भी है आपके लिए, तो बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे आपको वूलन टेक्सटाइल मिलने वाले हैं। राधे राधे खुशबू कुमारी जी, तो देखो जैसे सारे इंडस्ट्रीज हैं तो ऑब्वियस वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ भी प्रॉब्लम है, तो वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ प्रॉब्लम देखो क्या है, तो सबसे पहले तो शॉर्टेज ऑफ रॉ वूल, हमारे यहाँ ना जो सीप होती है, भेड़ होती है, उनकी संख्या कम है, प्रोडक्शंस कम है, तो ऑब्वियस शॉर्टेज ऑफ रॉ वूल्स का एक बहुत बड़ा कमी है। और मार्केट लैक ऑफ द मार्केट है, लैक ऑफ द मार्केट इसलिए कि हमारे यहाँ विंटर सीजन का ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है, और बहुत छोटे ड्यूरेशन होने का अर्थ है कि बहुत छोटे ड्यूरेशन होने के कारण क्या होता है कि इसका डिमांड जो है कंपेरेटिवली कम है, क्योंकि हमारे क्या है क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल है, और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होने के कारण क्या होता है कि हमारे यहाँ से डिमांड कम होती है, तो ऑब्वियस लैक ऑफ द मार्केट भी हुआ। इन सब के साथ आपको मॉडर्न इक्विपमेंट की कमी है, लो क्वालिटी है प्रोडक्शन जो है, लो क्वालिटी की होती है, ठीक है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जैसे अब वूलन टेक्सटाइल में आते हैं, तो वूलन टेक्सटाइल के अंदर आप देखोगे तो बेसिकली आपको शॉर्टेज ऑफ द रॉ वूल्स है, मार्केट ही कम है हमारे यहाँ, मैक्सिमम रीजन्स हमारे यहाँ देखो तो गर्मियों का ड्यूरेशन ज़्यादा है, लंबा है, सर्दियों का मौसम कम होता है, छोटा होता है, तो डिमांड कम होती है, तो ऑब्वियस सप्लाई कम होगी। मॉडर्न इक्विपमेंट हमारे पास नहीं है, लो क्वालिटी प्रोडक्शंस हैं, तो इन सब को देखा जाए तो ये हमारे वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके साथ ही कम्पीट करने में सफ़र कर रही है।
ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सभी लोग को? इफ यू ऑल गाइज आर ओके देन गिव अ बिग थम्स अप ऑल ऑफ यू गाइज। यदि यहाँ तक सबको समझ में आ गया तो प्लीज गिव अ बिग थम्स अप ऑल ऑफ यू। इफ यू ऑल गाइज आर ओके देन गिव अ बिग थम्स अप ऑल ऑफ यू। अब देखो जैसे हमने कॉटन टेक्सटाइल डिस्कस किया, वूलन टेक्सटाइल डिस्कस किया, उसी तरीके से आप देखोगे आपका सिल्क टेक्सटाइल। देखो सिल्क टेक्सटाइल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया में, इनिशियल टाइम से ये भी आपको मिलेगा, शुरू से मिलेगा। चाइना जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर द चाइना। और सिल्क का जो स्टार्ट हुआ था सिल्क प्रोडक्शन, वो हुआ था वेस्ट बंगाल के हावड़ा से। स्टार्टिंग हमारी जो होती है वो वेस्ट बंगाल के हावड़ा से होती है, ठीक है। और देखो सिल्क बेसिकली आपको मिलते फोर टाइप के, मलबरी सिल्क होता है एक, एक होता है एरी, एक होता है तसर, एक होता है मूगा। बट इनमें याद रखना जो तसर होता है ये आपको ट्रॉपिका, ट्रॉपिका तसर और ओक तसर में डिवाइडेड कर सकते हो। ओक तसर में देखो ऐसे जनरली हम लोग कहते हैं कि सिल्क जो है आपको, नमस्कार गोविंद, सिल्क जो होते हैं फोर टाइप्स के होते हैं, बट इसको फाइव टाइप्स में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो तसर है ये फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड कर, ट्रॉपिका तसर और ओक तसर, यानी टोटल फाइव पार्ट्स में कर सकते हो तसर आपको सिल्क मिलते हैं, ठीक है। तो सिल्क की यहाँ पे फोर वेराइटीज़ हैं, मलबरी, ईरी, तसर और मूगा, जिसमें से हम तसर को टू पार्ट्स में बांट सकते हैं, ट्रॉपिका तसर भी और ओक तसर भी, ठीक है। मूगा तसर देखोगे तो कर्नाटक का जो बेल्ट है ये ना आपको लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क के अंदर, और बेसिकली यहाँ पे मलबरी मिलता है। याद रखना कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से है, तो आपको मलबरी, ठीक है। और मूगा सिल्क जो बेसिकली आप देखोगे ये आपको असम के अंदर मिलेगा, और तसर वाला जो सिल्क मिलता है ये बेसिकली आपको बिहार और झारखंड का जो बेल्ट है वहाँ पर तसर मिलते हैं सिल्क, ठीक है। यस यस सुब्रता विश्वास, वेरी एक्सपेंसिव होते हैं और ये आपको असम के बेल्ट में मिलते हैं, यस। तो आपको याद रखना मलबरी के लिए जाना जाता है, मलबरी कर्नाटक से जुड़ा हुआ है, जबकि आप देखोगे मूगा जो है ये आपको असम से रिलेटेड है, और तसर जो है ये आपको बिहार और झारखंड के बेल्ट से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यानी हमें याद रखना है कि बेसिकली ये क्या है, मलबरी, ट्रॉपिका तसर, ओक तसर, एरी एंड द मूगा, ठीक है, जिसमें से आपको गोल्डन येलो मूगा, इट द यूनिक ऑफ इंडिया, यूनिक टू इंडिया है ये जो गोल्डन येलो मूगा जो आपको असम के अंदर आपको मिलता है। ठीक है, तो सिल्क प्रोडक्शन में आपको याद रखना कर्नाटक जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट, जो मलबरी सिल्क के लिए जाना जाता है, बेसिकली यहाँ पे मलबरी सिल्क मिलता है कर्नाटक के अंदर। आप देखो कई रीजन से, बेंगलुरु है, कोलार है, मैसूर है, बेलगाम है, ऐसे बेल्ट है। इनके अलावा आप जाओगे तो सिल्क जो है थोड़े बहुत आपको जम्मू कश्मीर के बेल्ट भी मिलते हैं, खासतौर से अनंतनाग का बेल्ट है, बारामूला का बेल्ट है, जम्मू का बेल्ट है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे रीजन में भी आपको मिलते हैं, श्रीनगर का रीजन जो है, ठीक है। ऐसे सारे रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स हैं, इतने सारे रीजन्स हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जो सिल्क हमें याद रखना है कि सिल्क जो है एक इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो आपको फाइव वैरायटी में डिवाइड कर सकते हो, मलबरी, ईरी, तसर, तसर को टू पार्ट्स में कर सकते हो, ट्रॉपिका और ओक, इसके अलावा आपका हो गया मूगा, ठीक है, जिसमें से आपको मलबरी याद रखना कर्नाटक से जुड़ा हुआ है, मूगा जो है बिहार झारखंड के बेल्ट से, और तसर जो है ये आपको, सॉरी मूगा जो है वो असम से जुड़ा हुआ है, और तसर जो है वो बिहार झारखंड से रिलेटेड है, ठीक है। और चाइना के बाद यदि देखोगे तो इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, देख रहे हो ये ग्रीन कलर दिख रहा है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपको सदर्न स्टेट में दिख रहा है। इनके अलावा आप देख रहे हो इस बेल्ट में भी आपको मिल रहा है, कुछ इधर के भी बेल्टों में है, कुछ इधर के बेल्टों में भी है, ये मलबरी का है। मूगा देख सकते हो येलो कलर में यूज़ किया, ये पूरा असम का जो बेल्ट देख रहे हो मूगा तसर का है, और ये आपका तसर का रीजन दिख रहा है, ये तसर वाला बेल्ट है ये, और ग्रीन कलर जो दिख रहा है आपका मलबरी के लिए रीजन है। तो सदर्न स्टेट जो है बेसिकली मलबरी के लिए जाने जाते हैं। गुड इवनिंग रविंद्र, यस यस सुब्रता, जिसका कलर जो है ना ये आपको गोल्डन येलो इस कलर, ये यूनिक है इसके अंदर। देखो तो ऐसे एक आपको याद रखना छोटा सा, बाकी मैं डिटेल्स में इसमें नहीं जाऊंगा, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है पहला प्लांट लगा था रानीपेत तमिलनाडु के अंदर, इसको याद रखिएगा। इसके बाद इंडिपेंडेंस इंडिया में आपको सिंदरी के अंदर लगाया था झारखंड में जो अभी, तो पहला प्लांट जो लगा था वो लगा आपका
तब फर्टिलाइजर्स का तमिलनाडु में, फिर आपको लगा सिंदरी के अंदर, झारखंड के अंदर। आप देख सकते हो मैप के अंदर, जैसे देखो कलोल जामनगर का बेल्ट गुजरात में इंपॉर्टेंट है, मुंबई भी है फर्टिलाइजर्स के लिए, कोची फर्टिलाइजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, नांगल भटिंडा ये आपको पंजाब में, पानीपत जो है हरियाणा के अंदर, ठीक है, आंवला कानपुर जगदीशपुर गोरखपुर फूलपुर ये आपको यूपी में है, ठीक है, राउरकेला तालचर ये आपको उड़ीसा के अंदर मिलेंगे, दुर्गापुर आपको वेस्ट बंगाल में मिलेगा, सिंदरी जो है आपको झारखंड में मिलेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है जहाँ पर फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री आपको मिलेगी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ तक समझ रहे हो सभी लोग? यू ऑल गाइज आर ओके? इसी तरह से देखोगे तो सीमेंट इंडस्ट्री भी जो ना इंडिया में एस्टेब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम में, वो चेन्नई के अंदर, बट ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। जो फर्स्ट सक्सेसफुल लगा था वो पोरबंदर में लगा था, याद रखना। जो सीमेंट इंडस्ट्री की हम बात करें तो फर्स्ट सक्सेसफुल लगा आपको पोरबंदर। देखो सीमेंट इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल क्या होना चाहिए? लाइम स्टोन सैंड स्टोन। जो लाइम स्टोन सैंड स्टोन है तो ये बेसिकली कहाँ मिल रहा है? विंध्या रेंज में। हम लोग विंध्या रेंज के बारे में पढ़ चुके हैं, वहाँ पे मिल रहा है। तो विंध्या रेंज से जो जुड़ा हुआ पार्ट है उसी रीजन में आपको सीमेंट इंडस्ट्री बेसिकली मिलेंगी। तो जो फर्स्ट सक्सेसफुल प्लांट लगा वो पोरबंदर गुजरात के अंदर लगा था सीमेंट इंडस्ट्री का। आई बात समझ में? देख सकते हो सीमेंट इंडस्ट्री के कुछ बेल्ट हैं ये इंपॉर्टेंट, महाराष्ट्र राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश हरियाणा, ये वेस्ट बंगाल का बेल्ट है, ये आपको सीमेंट इंडस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट रीजन से इंडिया में। तो यू ऑल गाइज आर ओके? समझ में आए यहाँ तक? तो ऑलमोस्ट इंडस्ट्री जो पार्ट है हम लोगों ने डिस्कस तो कर ही लिया ऑलमोस्ट। देखो आप लोग जानते हो कि मेरी जो स्पेशल क्लास होती है वो 10 PM पे होती है, रात को 10 बजे। इस क्लास के जस्ट बाद हम लोग ज्वाइन करेंगे स्पेशल क्लास जिसमें हम लोग करेंगे ज्योग्राफी के कुछ ऑसम से क्वेश्चंस। जैसे आप जो पढ़ते हो उससे रिलेटेड ही अपने आप को इवेल्युएट करने का सबसे अच्छा तरीका कि आप इस क्लासेस को ज्वाइन करो और आप बेनिफिटेड रहोगे, बहुत अधिक फ़ायदा मिलने वाला आपको। तो इस क्लास को भी ज्वाइन कीजिए। आप अन अकेडमी के लर्निंग ऐप पे क्लास होती है, तो यदि आप डाउनलोड नहीं किए तो उसे डाउनलोड कर लो, और फर्स्ट टाइम यूज़ करते हो तो उसमें रेफरल कोड प्रवीण वन यूज़ करना क्लास को अनलॉक करने के। फ्री क्लासेज हैं। देखो स्पेशल क्लास आते हैं तो बेनिफिट क्या कि इंटरेक्टिव लाइव क्लासेज मिल जाती हैं, आपके पास पोल्स मिलते हैं, उन क्वेश्चन में पोल्स द्वारा आप जानोगे अपनी पोजीशन को भी, रैंकिंग को भी जान पाओगे कौन सी रैंकिंग चल रही है आपकी, अपने डाउट्स भी रेज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप लेक्चर नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और एनी टाइम एनी वेयर क्लास तो देख ही सकते हो, ठीक है। ये सारे बेनिफिट हैं। इसी तरीके से मेरी एक स्पेशल क्लास 3 बजे होती है, जो क्लास हो चुकी है वो भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन होते हैं, इस क्लास को आप देख भी सकते हो, इसकी टाइमिंग 3 PM पे होती है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सेजर इनको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैप बेस्ड स्टडी करो, और मैप बेस्ड स्टडी करो और इनको दो बार तीन बार जरूर पढ़ो, दो बार तीन बार चार बार पढ़ोगे याद होगा, और कोई तरीका नहीं है। और कोई ट्रिक्स वगैरह मतलब मैं इनमें बहुत बिलीव नहीं करता हूँ ट्रिक्स वगैरह में पढ़ने में, बाकी क्योंकि ट्रिक पढ़ोगे फिर ट्रिक को खुद ही याद रखना एक अलग समस्या बनेगी ट्रिक को याद रखने की। तो सबसे बेहतर है कि ज्योग्राफी को मैप के थ्रू देखो, विजुलाइज करो, जो भी लोकेशंस पढ़ते हो ना, देखो एक या दो बार पढ़ोगे या तीन बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी चीज़, ऐसा कुछ नहीं है। इन्हीं क्लासेस को रिकॉर्डेड फॉर्म में दो बार तीन बार देख लिया करो, तो सुनते हो ना तो देखो क्या होता है, आप क्लास को देखते हो और सुनते हो तो आपकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। देखो शुगर इंडस्ट्री को देखो तो शुगर इंडस्ट्री जो है कॉलोनी पीरियड में स्टार्ट हुआ था डच के द्वारा, और ये नॉर्थ बिहार में, बिहार से बेसिकली स्टार्ट हुआ था। इस टाइम पे देखो शुगर के प्रोडक्शन में देखो ना, शुगर केन में यूपी है बट शुगर केन के प्रोडक्शन में महाराष्ट्र जो है वो आपको अधिकार है। देखो सदर्न इंडियन के जो स्टेट है ना, सदर्न इंडियन के स्टेट जो शुगर इंडस्ट्री में धीरे धीरे ग्रो करते चले जा रहे हैं, उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि सदर्न इंडियन के स्टेट में देखो स्किल्ड लेबर मिल जाते हैं, साथ साथ में वहाँ पर क्या होता है कि आपको कोस्टल लोकेशन है तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना भी ईजी हो जाता है, और साथ साथ ह्यूमिड क्लाइमेट है, और ह्यूमिड क्लाइमेट के कारण कहते हैं कि जो शुगर केन होते हैं ना उसके अंदर जूस की क्वांटिटी बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू द नॉर्दर्न स्टेट। इसीलिए जो सदर्न इंडिया के स्टेट हैं वो शुगर इंडस्ट्री में धीरे धीरे देखो कि ग्रो करते हुए चले जा रहे हैं। इसी से कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जैसे कभी कभी इलेक्ट्रिक रेलवे लोकोमोटिव देखो कि इक्विपमेंट पूछ रहा था, तो चितरंजन के अंदर रेलवे इक्विपमेंट, डीजल जो है वाराणसी में है, डीजल लोकोमोटिव मरोड़ा बिहार के अंदर प्रपोज है, और आपको प्रपोजल मधेपुरा में भी है इलेक्ट्रिक वाला। जो इंटीग्रल कोच है वो पेराम्बूर में है, पेराम्बूर चेन्नई के पास में एक जगह पेराम्बूर यहाँ पर है। इसके अलावा रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है, रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में है, व्हील एंड एक्सेल प्लांट बेंगलुरु में है,
विलेन एक्सेप्ट पार्ट छपरा बिहार में प्रपोज है, ऐसे कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं आपसे। तो फैक्चुअली पढ़ लोगे यार, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, एक बार इसको रीडिंग कर लोगे याद हो जाएंगे चीज़ें। इससे देखो शिप बिल्डिंग में आओगे तो देखो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री वहीं पर लगेगी जहाँ पर कोस्टल रीजन होंगे। तो बेसिकली इंडिया में जो शिप बिल्डिंग है वो आपको हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम के अंदर है। इसके अलावा कोची शिपयार्ड लिमिटेड कोची केरला में, मझगांव डॉक मुंबई में महाराष्ट्र में, गोवा शिपयार्ड है वास्को डिगामा गोवा के अंदर, और गार्डन रे शिप बिल्डर्स है आपको कोलकाता के अंदर। तो यानी आप देखो विशाखापट्टनम, कोची, मुंबई, गोवा और कोलकाता, ये जो रीजन है यहाँ पर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री आपको इंडिया में मिलने वाली है, इसको याद रखिएगा ठीक है। कई बार इसमें देखो इनमें क्वेश्चन जो होंगे प्रीलिम्स के अंदर मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से किसी इंडस्ट्री का नाम देखे कहाँ पर आपको मैच करा है, या किसी का नाम देखे आपसे पूछा सकता है किस राज्य में लोकेटेड है वो। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को, कोई कन्फ्यूजन? ऑल गाइज आर ओके? देखो आपके लिए आई ड्रीम टू मेक माय कंट्री प्राउड बाय बिकमिंग एन आईएएस, तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है इसमें अकेडमी में जुड़ने का। जुड़ते हो तो इसमें कोई भी सब्सक्रिप्शन लोगे तो मेंस तक वैलिडिटी मिलेगी, आपको कॉम्बो पे भी ऑफर है, जीएस और टेस्ट सीरीज फ्री मिल जाएंगे, सीएससी एस्योर्ड मिलने वाला है, जीएस की टेस्ट सीरीज है, अकेडमी नोट्स है, सारे बेनिफिट हैं। सोचो वन ईयर के कोर्स पे इसमें करीब करीब 27,500 आपको ऑफ मिल रहा है, फ्लैट ऑफ है। टू ईयर पे 40,000 ऑफ है और थ्री ईयर पे आपको 52,000 ऑफ है। ये आपको कॉम्बो के साथ यानी 49,679 में वन ईयर का कोर्स अवेलेबल है कॉम्बो वाले, अब प्लस टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएंगे। ऐसे कुछ टू ईयर में 71,000 अप्रोक्स है और थ्री ईयर क्या होगा 37,000 है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल रहा है। तो बहुत बेहतरीन टाइम पीरियड है आपके लिए, आप ले सकते हो। और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको करना क्या है, रेफरल कोड प्रवीण यूज़ करो, आपको 10% ऑफ के साथ आपको मेरी मेंटरिंग भी मिल जाएगी। और मेरी मेंटरिंग आपको ज्योग्राफी जब ऑप्शनल ऑप्ट करोगे तो वहाँ पर भी होगी जीएस के साथ साथ में ठीक है। और क्लास को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए unacademy_praveenone, इट्स माय टेलीग्राम ग्रुप है, जो मेरा रेफरल कोड है उसी में unacademy_praveenone लगा दो, मेरा रेफरल कोड मिल जाएगा। यस रविंद्र श्योर क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो आप मुझे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, जहाँ मेरी क्लासेस की आपको PDF भी मिल जाएंगी और क्लासेस के लिंक भी मिल जाएंगे। 10 PM पे मेरी जो स्पेशल क्लास है unacademy के ऐप पर, उसे भी ज्वाइन करो। प्रवीण सिंह 5449 ये मेरा प्रोफाइल लिंक है, मुझे आप वहाँ जाकर फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको मेरी क्लासेस को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी ठीक है। समझ रहे हो इसको, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं किसी को? चलो फिर हम लोग मिलते हैं 10 PM पर unacademy के लर्निंग ऐप पर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, गुड नाइट ऑल ऑफ यू गाइज, टेक केयर, बाय।